असलम आज की वीडियो पेज नंबर सिक्सटी टू ग्रेड फाइव इंग्लिश बुक पर मबनी है इस पेज पर जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन पर बात होगी रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ प्रोनाउन्स एज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन तो तीनों किस्म के प्रोनाउन्स पर डिस्कशन होगी इस पेज पर रीड मी में हमें बताया जा रहा है सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर ऑफन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट प्रोनाउन वो होते हैं जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट होते हैं हो एंड वट कौन और क्या द सेंटेंस इज अबाउट और किसके बारे में जुमला है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज ऑफन द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अक्सर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है Who and what is acted? और क्या किया जा रहा है और किस पर अमल किया जा रहा है एक प्रोनाउन जो जाहर करता है या उसकी ओनरशिप जाहिर करता है उसे हम पोजेशन प्रोनाउन कहते हैं अब सेंटेंसेस देख लेते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन्स आई वर्क इन बिग कंपनी आई इसमें सब्जेक्ट होगा क्योंकि करने वाला जो है आई है यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल आप फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं ही लिव्स इन लाहौर शी वेंट ऑन वेकेशन लास्ट वीक वो पिछले हफ्ते छुट्टियों पर चली गई इट सीम्स हॉट टूडे आज गर्मी महसूस हो रही है वी इन्जॉय वॉचिंग कार्टून्स हम कार्टून देखना से देखने से लुफानंदोज होते हैं दे आर गुड स्टूडेंट्स वो अच्छे स्टूडेंट्स हैं हमने गौर किया तो फिक्रे का जो पहला लफ्ज होगा या पहली कोई नाम है तो उनको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं आई यू ही शी इट वी दे आर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस अगर जुमले के दरमियान में कोई लफ्ज आ रहे हैं जो प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं तो उन्हें हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे शी गेव मी अ बुक ताहिर बॉट यू अ प्रेजेंट शी टोल्ड हिम द सीक्रेट हर टू कम इन साइड निदा बॉट एंड आइसक्रीम एंड गेव इट टू दर टू मरियम द टीचर टॉट अस नाउन्स दंपनी प्रोवाइड दैम विद इंश्योरेंस तो हमने गौर से जब देखा तो हमें पता चला कि जुमले के दरम्यान में अगर कोई प्रोनाउन की शक्ल इस्तेमाल हो रही है तो फिर हम उसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे शी गेव मी उसने मुझे दिया ताहिर बॉट यू ताहिर ने आपसे ख़रीदा शी टोल्ड हिम उसने उन्हें बताया माह आस्ट हर महा ने उससे पूछा निदा बॉट एन आइसक्रीम एंड गेव इट निदा ने आइसक्रीम ख़रीदी और इसे मरियम को दी द टीचर टॉट us टीचर ने हमें नाउन पढ़ाया द कंपनी provided them कंपनी ने उन्हें मुहैया किया तो मुझे उन्हें तुम्हें उसे उसको ऐसे अल्फाज को हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस दिस इज दिस बुक इज माइन ये किताब मेरी है दैट कार्ड दैट कैट ओवर दिस इज दे और इज हज दैट पोस्टर इज ऑन वाल इज आवर्स दीवारों पर जो पोस्टर हैं वो हमारे हैं ये जो, जो बिल्ली है वो उसकी है किताब मेरी है दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आल योर ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है द हाउस इन द कार्नर इज देयर्स कार्नर का घर उनका है द शर्ट इज हिज ये शर्ट उसकी है द स्कैट इज लाइकिंग इट्स पास लेकिन ये बिल्ली उसके पाओ चाट रही है इट्स सो हमने देखा कि पोजिशन पॉजेसिव प्रोनाउन ये हुए माइंड आवर्स योर्स देयर्स हिज हर यूज टू सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन्स इन ईच सेंटेंस एंड राइट इन योर नोट बुक तो दो दो जुमले इस्तेमाल करके इनको अपनी कॉपी में लिखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में भी यहाँ पर बताया जा रहा है रीड द गिवन सेंटेंसिस एंड नोटिस टू यूज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इनमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखें डॉक्टर हारून गिव इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट्स तो डॉक्टर हारून एक है द स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट ज्यादा है तो आर इस्तेमाल होगा वाशिंग देयर हैंड्स दे आर प्लेइंग तो दे लोग ज़्यादा हैं इसलिए आर इस्तेमाल होगा आई आर यू आर माई बेस्ट फ्रेंड आप मेरे बेहतरीन दोस्त हैं तो यू ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हो रहा है आप आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग मैं पढ़ने का शायक हूँ आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा तो अ सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड पलुर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स द पलुर वर्ब सो ये हमें हमें गौर से देखना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्या मुराद है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ पेज सिक्सटी टू अल्लाह हाफिज